नमस्कार मैं रविश कुमार राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह ने आदेश पत्र पर दस्तखत कर दिए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है मदर ऑफ डेमोक्रेसी के आंगन में आपका हार्दिक स्वागत है दिल्ली में पोस्टर लगाने पर सौ एफ कर दी जाती है कनाडा एक्टर जब ट्वीट करते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति झूठ पर आधारित है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता की एफ पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और अब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है कानून वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है सत्ता पक्ष की तरफ ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है चार साल पुराने बयान को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के केस में दो साल की सज़ा हुई और अगले ही दिन लोकसभा की सदस्यता चली गई वे अब वायनाड से सांसद नहीं हैं आज के दिन वे सारे नेता जो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं वो अपने भाषणों को याद कर इस खबर पर हंस रहे होंगे कि उन्हें तो सज़ा नहीं हुई राहुल गांधी को सजा भी हुई और सदस्यता भी चली गई क्या एक भाषण के लिए इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए ये आपराधिक मामला उस तरह से नहीं है कि व्यक्ति हत्या या भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल पाया गया है वो सिर्फ एक भाषण को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में सजा पाता है और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है यह एक ऐसा फैसला है जो हर नागरिक को अब से असुरक्षित कर देगा पहले से ज़्यादा असुरक्षित कर देगा जो लोग बोलने से डरे हुए हैं अब डरने से ज़्यादा कांपने लग जाएंगे और बोलना छोड़ देंगे पता नहीं कब किस बात पर किसे जेल हो जाए और किसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए ये अब किसी को पता नहीं है तो जिस नेता को पप्पू कहा जाता है जिनके भाषणों का बीजेपी हर दिन मजाक उड़ाती है कहती है कि मोदी के सामने राहुल कुछ भी नहीं उस राहुल से निपटने का यह राजनीतिक तरीका देश का वर्तमान देख रहा है कानून के फैसले की याद में इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने वाले बीजेपी के नेता अब बहुत आगे निकल चुके हैं ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक तरफा हो चला है विपक्ष या तो जेल में होगा या फिर संसद से बाहर बल्कि इतना लिखने और बोलने से भी जेल की सज़ा हो जाए तो कोई अचरज नहीं तीन हजार से अधिक दिनों तक भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक पदयात्रा करते रहने वाला नेता अपने एक भाषण की इतनी सख्त सजा पा रहा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी फादर ऑफ पावर का माथा सहला रही है राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें डर नहीं लगता लेकिन जिस पार्टी को हराना सबसे आसान हो जिसके नेता से उनके नेता को कोई चुनौती ना हो राहुल की सदस्यता जाने पर बीजेपी कैसे खुश हो सकती है आज जो मुद्दे आपके समक्ष हैं उनके दो व्यापक आयाम हैं एक राजनीतिक है एक कानूनी है लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण सबसे व्यापक सबसे अहम है पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में पहला बिंदु उसका यह है कि जान पूछ कर बार बार सोच समझ कर एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है उसको चोक करने का प्रयत्न किया है उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है वो है स्वतंत्र निष्पक्ष निडर बोलना बोलचाल जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं एक मानव अधिकार है मूलभूत इस सरकार ने इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं श्री राहुल गांधी की सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें बार बार और उसके उदाहरण आप जानते हैं बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया है सरकार ने बार बार श्री राहुल गांधी हम सब जानते हैं ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं जनहित में रखे हैं जनता के सामने रखे हैं जनता के लिए रखे हैं उन्होंने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है बिना झिझक के बोला है और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं क्योंकि उनके सवाल उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां किए हैं जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बोल नहीं सकते एक झूठे आडंबरी राष्ट्रवाद के आधार पर उनकी आवाज को रोका जाता है एक अजीबोगरीब बनाई हुई बनावटी राष्ट्रवाद का बहाना लेकर उन पे आरोप लगाए जाते हैं बाहर गए उसके आधार पे जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि आप यहां नहीं बोल सकते जो उसके, जब तक कि आप माफी नहीं मांगे यहां आते हैं और उस दिन बोलते हैं संसद में जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो सरकार पूछती आपकी हिम्मत कैसी हुई सब बोलने की सत्य बोलने की साफ बोलने की निरता से बोलने की हम आपको प्रिविलेज कमेटी भेजते हैं और सबसे अजीब गरीब जो मैं समझता हूं किसी गणतांत्रिक संसदीय गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश में नहीं देखा गया जब वो आके बोलते हैं तो सरकार खुद अवरुद्ध करती है संसद को सरकार खुद करती है इस आधार पे कि पहले आप माफी मांगिए ये कौन सी संसदीय प्रणाली के अंतर्गत है कि पहले आप माफी मांगिए नहीं तो हम अवरुद्ध करेंगे नहीं तो संसद चलेगी नहीं तो ये इसी प्रक्रिया का एक और उदाहरण है जहां मुंह खोले झूठे बेमानी केसेस दायर करिए डराइए धमकाइए और हम आश्वस्त हैं कानूनी प्रक्रिया में कि हम जीतेंगे स्टे ऑफ कन्विक्शन हमें मिलेगा लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है उन्होंने सब प्रयत्न किए हैं बार बार किए जो विपक्ष भारत की जनता को दिखाई नहीं देता है गोदी मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया और फिर लोगों को समझाना शुरू किया गया कि विपक्ष तो दिखाई नहीं देता उस दिखाई ना देने वाले विपक्ष के एक नेता की इसलिए लोकसभा की सदस्यता चली गई कि उन्होंने एक भाषण में कुछ कह दिया और वो आपराधिक मानहानि के केस में दो साल की सजा उन्हें सुनाई जाती है विपक्ष तो दिखाई नहीं देता है उस विपक्ष को क्या सत्ता बहुत ज्यादा दिखाई देने लगी थी 2024 के संदर्भ में देख रही थी कि वो जनता के सवालों पर कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है ये ललित मोदी हैं और एक नीरव मोदी हैं दोनों विश्वगुरु लेवल के एकमात्र देश भारत से भाग गए हैं कई साल से भागे हुए हैं आज ये दोनों हंस रहे होंगे कि उन्हें लेकर विपक्ष के एक नेता राहुल गांधी ने निशाना क्या बनाया उनकी सदस्यता चली गई भारत की जनता के पैसे का गबन करने वाले ये दोनों आज सोच रहे होंगे कि सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी मगर विपक्ष के एक नेता की सदस्यता चली गई आईपीएल टूर्नामेंट में घपलों के आरोप में ललित मोदी का पीछा ईडी सीबीआई आयकर विभाग से लेकर चेन्नई पुलिस तक कर रही है मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को चौदह करोड़ का चूना लगा दिया 2018 से दोनों भगोड़े घोषित हैं इनके भागने और गबन में शामिल होने को लेकर राहुल गांधी ने बयान क्या दिया वह आपराधिक मानहानि के दायरे में आ गया और उनकी सदस्यता चली गई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान किसी समाज के संबंध में नहीं है जो लोग पैसे लेकर भागे जैसे ललित मोदी नीरव मोदी और विजय माल्या वे क्या पिछड़े समाज से थे ये लोग ऐसी अनुभूति बना रहे हैं कि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज के बारे में बोला है इंतज़ार कीजिए कि भारत के लोकतंत्र को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या कहते हैं वे राजनीतिक जवाब देते हैं या कानून का सम्मान करने की आड़ में इसे सही ठहराते हैं या अदानी मामले पर जिस तरह से चुप रहे हैं उसी तरह से इस पर भी चुप रह जाएंगे कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि हम राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हमें कोई डरा नहीं सकता न चुप करा सकता है अदानी समूह के महा स्कैम पर जेपीसी की जगह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है भारतीय लोकतंत्र ओम शांति ओम शांति किसी की मौत पर भी कहा जाता है क्या जो हुआ है वो ठीक हुआ है ठीक है कांग्रेस अदालत में अपील करेगी लेकिन क्या उस अपील का फैसला 2024 से पहले आएगा कोई नहीं बता सकता कानून की किताब की हिंदी औपचारिक होती है इन धाराओं को समझना मुश्किल तो होता है मगर असंभव नहीं जिसे मैं पढ़ रहा हूँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस के सेक्शन आठ तीन में लिखा है कि कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ऐसी दोष सिद्धि की तारीख से निर्हित होगा और उसे छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निर्हित बना रहेगा साधारण हिंदी में इसका यही मतलब हुआ कि राहुल गांधी अगले छह वर्ष तक के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे तो क्या इस तरीके से उन्हें चुनावी राजनीति से बाहर कर दिया गया है वाकई राहुल गांधी ने क्या ऐसा कह दिया कि सारे मोदी समाज का अपमान हो गया बीजेपी कह रही है कि ओबीसी का अपमान हो गया है क्या समाज में कितनी गरीबी है कितने ही बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं कितने ही लोग ओबीसी समाज के भी लोग अस्पताल में अच्छा इलाज हासिल नहीं कर पाते हैं इन सब बातों से किसी का अपमान नहीं हो रहा है एक बयान से एक भाषण से ओबीसी समाज का अपमान हो रहा है जैसा कि बीजेपी कह रही है क्या अपनी राजनीति के लिए ओबीसी के स्वाभिमान को और उसकी विरासत को बीजेपी ठोकर नहीं मार रही है दलित और ओबीसी समाज ने इस देश की राजनीति की धुरी पलट दी अपनी गरीबी के पेट से ऐसे ऐसे नेता पैदा कर दिए जो सबके नेता बने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे इस समाज ने तमाम सामाजिक अपमानों का प्रतिकार किया जातिगत भेदभाव का विरोध किया और लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से समाज में ऊंची जाति के वर्चस्व को तोड़ दिया मगर ऐसा करने के क्रम में किसी भी जाति समाज के नेता की आवाज बंद नहीं की बल्कि उनकी आवाज के सामने अपनी आवाज उठाई इस तरह से ओबीसी समाज ने अपने नेतृत्व से इस देश के लोकतंत्र को सुंदर बनाया है आज बीजेपी उस समाज के अपमान के नाम पर राहुल गांधी को मिली सजा को सही ठहरा रही है क्या ऐसा बताकर बीजेपी भारत के लोकतंत्र को गर्व करने लायक बनाने में ओबीसी समाज के योगदान को कम नहीं कर रही यह प्रतिशोध की राजनीति धमकी की राजनीति उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है एक मिसाल है ईडी में करीब 60 घंटे का पूछताछ हुआ आपको याद होगा पिछले साल और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसे एक सवाल उठाए गए यात्रा के बारे में राहुल जी के बारे में उनको संसद में तो पहले बोलने दिया गया पचास मिनट के लिए बावन मिनट के लिए बाद में जो उन्होंने कहा उसको एक्सपंज कराया गया और उन्होंने स्पीकर से तीन बार निवेदन की तीन बार एक बार नहीं तीन बार उनको लिखा भी कि मुझे मौका दीजिए उन्होंने रूल भी उन्हों, स्पीकर साहब को बताया तीन सौ सत्तावन रूल पर स्पीकर से कोई जवाब नहीं आया औपचारिक तौर से कोई जवाब नहीं आया उनको मौका ही नहीं दिया गया और आज वो डिस्कालीफाई हो चुके हैं तो ये कानूनी मुद्दा तो है कानूनी तरीके अपनाएंगे कानून में जो प्रावधान है सिंघवी साहब ने गिनाया है उस पर अगले कदम लिया जाएगा पर यह राजनीतिक जो मुद्दे उठते हैं आज पांच बजे को कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी लीडरों के साथ बैठक बुलाई है इस पर हम विचार करेंगे दिल्ली कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा के मामले में कहा था कि अगर चुनावी राजनीति में दिए गए भाषणों पर बयानों पर एफआईआर होने लगे तो न जाने कितने नेता जेल में होंगे दिल्ली कोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अगर कोई बात मुस्कुरा के कही जाए तो कोई अपराध नहीं कहता लेकिन अगर कोई बात आक्रामक तरीके से कही जाए तो आपराधिक मामला बन भी सकता है चुनावों के समय नेता नेताओं के बारे में बहुत कुछ कहते हैं वह भी गलत है लेकिन हम उनके इस एक्ट में यानी कार्रवाई में आपराधिक तत्वों को देखना चाहते हैं अदालत ने कहा कि अगर ऐसा होने लग जाए तो चुनावे चुनावों के दौरान सभी नेताओं के खिलाफ हजारों हजारों एफआईआर दर्ज हो जाएगी कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी सुर्प नखा कह रहे हैं सदन के भीतर उन्हें सुर्प नखा कह रहे हैं मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगी और देखती हूं कि कोर्ट कितनी तेजी से काम करते हैं ये जनता को सीधे सीधे चुनौती है कि इसे स्वीकार करो स्वीकार करो कि एक सांसद की सदस्यता हत्या या भ्रष्टाचार के केस में नहीं गई है भाषण देने के मामले में गई है जिस भाषण का राजनीतिक जवाब नहीं दिया गया उस भाषण का कानून से हिसाब कर दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के मामले में कहा चुनाव जीतने के इरादे से कुछ कहना और लोगों को भड़काना या उकसाना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं तो यही पैमाना राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं क्या इस देश में दो कानून हैं, दो मर्यादाएं हैं राहुल के बयान से कहीं ज्यादा गंभीर बयान था अनुराग ठाकुर का और बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा का क्या राहुल को उनकी गलती की बहुत बड़ी सजा नहीं दी जा रही है क्या विपक्ष इस सजा का मतलब समझ भी पा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है क्या वो ये समझ रहा है कि केवल राहुल गांधी के साथ हुआ है या उसे अब दिखाई देने लगा है कि विपक्ष को खत्म करने का आखिरी प्रहार शुरू हो चुका है राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है सदस्यता रद्द करने की कॉपी को ट्वीट की है और लिखा है कि निर्लजता और तानाशाही का घालमेल अपने चरम पर शर्मनाक है दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ जिस तीव्रता से यह निर्णय लिया गया जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे दल की उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब यह सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए और आज देखिए जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बादल आपने तस्दीक कर दी आपके मनसा वाचा करना में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा नागरिक समाज के साथ मिलकर के लोगों के साथ मिलकर के कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमीन दोज करना होगा अन्यथा हिंदुस्तान का जो पचहत्तरवे वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी ये सिर्फ राहुल गांधी का कि लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज ऑफिशियल डिक्लेरेशन Of the death of democracy. The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of laws. But this is the low of the low. The lowest since 1950. Terrible. The lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. बीजेपी हाउ लो कैन यू गो मिस्टर BJP. एंड मिस्टर शाह बीजेपी यह हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं लेकिन जो जजमेंट आया हम उसको उसका समर्थन नहीं करते हैं। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे वन नेशन वन पार्टी और सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे वन नेशन वन लीडर बाकी सारे लीडर्स को खत्म कर दिया जाए इसी को तो तानाशाही कहते हैं इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है ऐसे देश कैसे चलेगा डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए हम हमारा देश है हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं हम क्यों डर डर के जिए पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है किसान डरा हुआ है मजदूर डरा हुआ है नेता डरे हुए हैं सब लोगों को डरा के रखा है जुडिशियरी डरी हुई है जज डरे हुए हैं मीडिया वाले डरे हुए हैं सबको धमकाते हैं ये लोग सबको सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग है। हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी आजाद भारत को आजाद कराने के लिए लेकिन आज की जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है अब लोगों को, सामने आना पड़ेगा। लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी जरूर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में कुछ सीमाएं कुछ अंकुश बताए गए आर्टिकल उन्नीस एक की कसौटी पर राहुल गांधी के भाषण को कसा जा सकता है ये अदालत का विषय है लेकिन राजनीतिक तौर पर जो प्रतिक्रिया आ रही है बीजेपी की तरफ से वो चिंता का विषय ज़रूर है अब राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं हैं जहां बीजेपी उनसे माफ़ी मांग रही थी और राहुल ने कहा कि उसी सदन के पटल पर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए लेकिन अब वो मौका उन्हें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी ने नीरव मोदी ललित मोदी मेहुल चौकसी को चोर कहा और यह पूछा कि ऐसा क्यों है कि सब चोरों के नाम मोदी हैं यह नहीं कहा कि सब मोदी चोर हैं फिर भी किसी मोदी के मानहानि की कंप्लेंट पर उन्हें दो साल की सजा ताकि उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया जाए यह भारत के लोकतंत्र का हाल है राहुल गांधी ने 2019 में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने बोला कि नीरव मोदी मेहुल चौकसी ललित मोदी इत्यादि ये सब हज़ारों करोड़ रुपया लेकर भाग गए और उसके बाद उन्होंने बोला क्या ऐसी बात है कि ये सब चोरों का नाम ललित मोदी नीरव मोदी नरेंद्र मोदी इन सब का नाम मोदी ही होता है उन्होंने ये नहीं बोला कि सारे मोदी चोर होते हैं लेकिन फिर भी एक कोई जिसका नाम मोदी था उसने सूरत में एक मानहानि का फौजदारी मुकदमा राहुल गांधी के, के खिलाफ दर्ज किया और उसमें सूरत के कोर्ट ने उनको सज़ा सुना दी और दो साल की जेल की सज़ा यानी ये कहने पर कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और ललित मोदी देश का रुपया लेकर भाग गए इस पर उनको दो साल की मानहानि की के मुकदमे में सज़ा सुना दी गई और उसके चौबीस घंटे के अंदर लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक कानून का हवाला देकर जो ये कहता है कि अगर किसी सांसद को दो साल से या उससे ज़्यादा के लिए कन्विट कर दिया जाए तो उसकी सदस्यता सस्पेंड कर दी जाती है और तुरंत सस्पेंड कर दिया ये भी नहीं वेट किया कि वो अपील फ़ाइल करें जबकि उन्होंने बोला था कि अपील फ़ाइल करेंगे और अगर अपील में इस फैसले का स्टे हो जाता तो उनका सस्पेंशन नहीं हो सकता था तो पहली बात तो मानहानी का फौजदारी मुकदमा करीब करीब किसी देश में नहीं होता सिर्फ हिंदुस्तान में रह गया और दूसरी बात इतनी जल्दी से उनको डिस्कवालीफाई दो साल की सज़ा और तुरंत लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने डिस्कालीफाई किया ये सब इसीलिए किया गया है कि वो अडानी के मामले में संसद में ना बोल पाए दो हफ्ते से भाजपा के सांसदों ने लोकसभा राज्यसभा को चलने नहीं दिया जिससे कि अडानी के ऊपर कोई चर्चा ना हो जाए और आज उसका हवाला उसका उसकी आड़ में 45 लाख करोड़ का बजट बिना कोई डिस्कशन के पास कर दिया गया यह हिंदुस्तान के लोकतंत्र का हाल हो गया एक प्रावधान है हमारे संविधान में 103 उस प्रावधान के अंतर्गत डिस्कालिफिकेशन जिसको कहते हैं जहां संसद का सांसद का सवाल है वहां सिर्फ माननीय राष्ट्रपति कर सकता है ये लिखा है प्रावधान में किसमें संविधान के प्रावधान और साथ साथ ये लिखा है कि संविधान के प्रावधान के अंतर्गत जब राष्ट्रपति करता है तो उसको पहले एक सुझाव एक रिकमेंडेशन लेना पड़ता है चुनाव आयोग से ये तो मानी हुई है कि इस बार राहुल गांधी के विषय में नहीं हुआ ये न कुछ पहले विषयों में ऐसा हुआ है अब इसमें जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि चुनाव आयोग का मानना है और चुनाव आयोग इसी प्रक्रिया को फॉलो करती है और केसेस में कि जब कन्विक्शन कोर्ट द्वारा है न्यायपालिका द्वारा है तो राष्ट्रपति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए हम चुनाव आयोग उसको कभी भी नोटिफाई कर सकते हैं हमें राष्ट्रपति के पास सुझाव लेके जाना और राष्ट्रपति के अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है जो रोचक कानूनी मुद्दा इसमें उठता है वो ये है कि संविधान में जो लिखा है 103 में स्पष्ट लिखा है उसको क्या चुनाव आयोग चुनाव आयोग तो क्या उच्चतम न्यायालय भी क्या बदल सकता है सिर्फ इस आधार पे कि केस था लोक प्रहरी का उस केस में चुनाव आयोग ने स्टैंड अपना रखा था उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने यह नहीं कहा कि वो स्टैंड सही है या गलत है लेकिन उसके बाद से चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर निकाल रखा है जिसमें वो कहते हैं कि जहां पर कन्विक्शन कोर्ट द्वारा है वहां पर हम राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे न जाना आवश्यक है तो ये एक आ, विरोधाभास है संविधान के टेक्स्ट को आप ज्यादा महत्व देंगे या चुनाव आयोग की प्रक्रिया को इसका उत्तर मैं समझता हूं सीधा है तो ये भी एक शायद त्रुटि है इस प्रकार के 24 घंटे में निकाले हुए चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन की यह लोकतंत्र का सबसे खतरनाक दौर है एक भाषण की सजा क्या इतनी बड़ी होनी चाहिए अगर इस पैमाने पर तमाम भाषणों को निकालकर देश की अदालतों में मुकदमा होने लगे तो फिर राजनीति का क्या हाल होगा राजनीति अब अदालतों के गलियारे में अपना रास्ता खोजने चली गई है यही हाल रहा तो अदालतों को भी राजनीति के गलियारे में अपने वजूद का रास्ता खोजना पड़ सकता है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने हाई कोर्ट से कहा कि निचली अदालतों के फैसलों पर नजर रखें अगर अनावश्यक तरीके से किसी को जेल भेजा जाता है तो ऐसा फैसला लिखने वाले जज को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए उसी दिन सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खतरे में पड़ गई और आज चली गई दोनों ही मामले अलग हैं मगर एक व्यवस्था के तहत इन दोनों को देखने से पता चलता है कि कानून का रास्ता कानून से ही तय नहीं हो रहा है अगर हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश नहीं देना पड़ता कि मजिस्ट्रेट के फैसलों पर नजर रखिए यूपी में सबसे अधिक बिना जरूरत के लोगों को जेल भेजा जा रहा है इस पृष्ठभूमि में भारत की न्याय व्यवस्था भरोसा भी पैदा कर रही है कि वो अपनी कमजोरियों पर खुद ही हाथ धर रही है उम्मीद है देश की जनता कभी यह जान पाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में बिना ज़रूरत के जेल भेजने की संख्या में कितनी कमी आई है देखने से यह बात कितनी सामान्य लगती होगी मगर इस तरह से जेल भेज देने से कितने लोगों का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन बर्बाद हो जाता होगा इसे ध्यान में लाने की बहुत ज़रूरत है विपक्ष के नेताओं को ऐसे निपटाया गया तो देश का लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा ऐसा नहीं है कि विपक्ष इस खेल को नहीं समझ रहा है ममता बनर्जी ने आज बयान जारी किया है कि पीएम मोदी के नए भारत में विपक्ष के नेता भाजपा के प्रमुख टारगेट बन गए हैं एक तरफ जहां क्रिमिनल केस वाले नेताओं को भाजपा में शामिल कर लिया जाता है वहीं विपक्ष के नेताओं की सदस्यता को भाषण के लिए रद्द कर दिया जाता है आज हमने लोकतंत्र के पतन का एक और चेहरा देखा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि चोर को चोर कहने के कारण राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई चोर और लुटेरे अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं और राहुल गांधी को सज़ा मिली है बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने कहा है कि क्या एक पूरे समाज को चोर बोल सकते हैं क्या कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए छोटे समाज और ओबीसी समाज का अपमान करना और माफी भी ना मांगना ही अभिव्यक्ति की आज़ादी है गाली देने में और आलोचना करने में अंतर है राहुल गांधी ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें सजा हुई है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि राहुल गांधी सोचते थे कि देश के संविधान और कानून से वे ऊपर हैं सूरत की अदालत के फैसले के बाद स्पीकर ने ये निर्णय लिया केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि स्पीकर को अधिकार है कि वे ऐसी स्थिति में किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं जिला अदालत के फैसले के बाद ये निर्णय लेना बहुत जरूरी था स्पीकर ने उचित फैसला लिया है और इस देश में 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 लाखों की संख्या पिछड़े समाज से आने वाले लोग मोदी रखते हैं नरेंद्र मोदी भी समाज से आते हैं तो ये नरेंद्र मोदी को गालियां नहीं थी बल्कि देश के लाखों करोड़ों जो ओबीसी समाज के लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अपमानित किया गया था उनको जलील किया गया था उनके खिलाफ टिप्पणी थी इसलिए कल जो सूरत के कोर्ट ने फैसला किया वो स्वागत योग्य फैसला है और जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और आज जो लोग पक्ष में बयान दे रहे चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे ममता बनर्जी हो तो क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल अगला लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे अगर मिल भी जाए तो भी हमको परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सबों का मिलकर मुकाबला करने के लिए तैयार है ओबीसी समाज जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के साथ देश की एस सी एस टी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं उस स्टेटमेंट के माध्यम से केवल एक बार नहीं अनेक बार ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं इसलिए उस समाज को जाति को गरीबी को क्षल्य करना नीचा दिखाना यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है और न्यायपालिका ने उस मानसिकता के खिलाफ जजमेंट दिया फैसला सुनाया मैं तो इतना ही कहूंगा भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एम पी सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया दूसरा मैं इस पर आपको एक कहना चाहता हूं पार्लियामेंट में विनम्रता धैर्यता समग्रता इन सबको देखा जाता है कि आपको एक सांसद के रूप में ये गुण आप में हो ये भारतीय संस्कृति के संस्कार भी हैं लेकिन आप पार्लियामेंट में कहते हो मैं बोलूंगा तो पार्लियामेंट चलेगी नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती जी यानी कि आप पार्लियामेंट के कानून नियम से भी ऊपर हो गए आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप कुछ भी करेंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा दिवंगत शायर राहत इंदौरी एक किस्सा सुनाया करते थे एक दिन एक आदमी चिल्ला रहा था देश का पीएम चोर है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है आदमी ने पूछा मैंने किस देश का पीएम कहा यह तो बताया ही नहीं पुलिस ने कहा क्या हमें मूर्ख समझा है किस देश का पीएम चोर है या हमें नहीं पता क्या आपको पता है फिर भी आप धर्म के नशे में अपना पता भूल गए हैं ध्यान रखिएगा कहीं यह भी ना भूल जाएं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है नमस्कार मैं रवीश कुमार